लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज बीजेपी की अहम बैठक है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी सह प्रभारी रहेंगे मौजूद। कोलकाता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के दौरान संदेश खाली में हुई हिंसा पर सरकार से मांगी रिपोर्ट। 26 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। शेख शाहजहां की जमानत याचिका का कोर्ट में ईडी ने किया विरोध। कहा कि शेख शाहजहां प्रभावशाली व्यक्ति है, अगर जमानत मिल जाती है तो भाग सकता है लंदन। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनी दलीलें। शेख शाहजहां के अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित। संदेश काली हिंसा मामले पर एक्शन में मानवाधिकार की टीम। पीड़ितों से मिली एनएचआरसी की टीम। एनएचआरसी की टीम ने संदेश खाली थाने जाकर अधिकारियों से भी की बात। सूत्रों के हवाले से खबर। मार्च के पहले सप्ताह में 3 दिन के बंगाल दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। आरामबाग और कृष्णनगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। तनाव के बीच 6 मार्च को संदेश खाली जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीड़ित महिलाओं से करेंगे मुलाकात। जनसभा को भी कर सकते हैं संबोधित। बंगाल के बाद 2 मार्च को बिहार भी जाएंगे प्रधानमंत्री। औरंगाबाद और बेगूसराय में फूकेंगे चुनावी बिगुल। किसान आंदोलन का 12वां दिन आज। सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारी करेंगे कैंडल मार्च। 25 फरवरी को शंभू और खिनौरी बॉर्डर पर सेमिनार का आयोजन करेंगे किसान। 26 फरवरी को हर गांव में करेंगे सरकार का पुतला दहन। दिल्ली चलो आंदोलन पर किसान नेताओं का बयान। कहा आगे की रणनीति पर 29 फरवरी को लेंगे फैसला। आंदोलन के बीच हरियाणा के किसानों को तोहफा। सरकार ने की बजट में फसल लोन पर ब्याज माफी की घोषणा। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका। किसानों की मांगों पर ध्यान देने की गुजारिश। वाराणसी के बाद आज छत्तीसगढ़ को पीएम मोदी देने वाले करोड़ों की सौगात। करीब 35,000 करोड़ की योजना का करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। भारत मंडपम में सहकारिता मंत्रालय के कार्यक्रम का आयोजन। आज कई योजनाओं को लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 25 फरवरी को देश भर में 5 नए एम्स का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। रायबरेली में सीएम योगी रहेंगे उनके साथ। कल द्वारका में सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। लोकार्पण से पहले की गई तैयारियां। वाटर लेजर शो का दिखा भव्य नजारा। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को नहीं मिल पाया ममता का साथ। सभी 42 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेगी तृणमूल कांग्रेस। असम में भी अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी। सांसद डेरेक ओब्रायन ने दी जानकारी। मिशन 24 के लिए टीएमसी और आम आदमी पार्टी को मनाने में जुटी है कांग्रेस। को पार्टी का दावा है कि जल्द ही गठबंधन हो जाएगा। सीट शेयरिंग पर इंडिया गठबंधन में कवायद तेज। सूत्रों के हवाले से खबर। बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस में दोबारा बातचीत। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर कांग्रेस नेता नाना पटोले का बयान। कहा एमवीए में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं, अंतिम फैसले का जल्द होगा ऐलान। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीट बंटवारा लगभग तय। दिल्ली गुजरात हरियाणा जैसे राज्यों में गठबंधन पर बनी बात। सूत्रों के हवाले से खबर। असम सरकार का बड़ा कदम। मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को किया निरस्त। कैबिनेट बैठक में फैसला। तेजस्वी यादव का शहाबुद्दीन के शार्प शूटर कैप के साथ तस्वीर वायरल। तस्वीर को लेकर उठे सवाल। यूपी में पुलिस भर्ती पेपर लीक को लेकर बढ़ गया बवाल। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग का घेराव कर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। छात्रों ने की परीक्षा को रद्द करने की मांग। कहा कुछ लोगों को पास करने के लिए किया गया पेपर लीक। यूपी में पुलिस भर्ती पेपर लीक को लेकर सियासत गरमा गई है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसा। ठेठ बनारसी अंदाज में बोले मोदी सुना रहे हैं नानी को ननिहाल का हाल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार पर उठाए सवाल। बोले बीजेपी राज में किसान और नौजवान परेशान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आज शामिल होंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। मुरादाबाद में राहुल और प्रियंका दिखेंगे साथ साथ। 48वें स्थापना दिवस पर भारतीय कोस्ट गार्ड ने दिखाया हैरतअंगेज करतब। आसमान और समुद्र में जाबाजों ने पेश की ड्रिल की झलक। हिमाचल के कई हिस्सों में जमकर बर्फबारी। अटल सुरंग के पास से हटाई जा रही बर्फ। कश्मीर घाटी में बर्फबारी की वजह से बढ़ी ठंड। बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। पेटीएम ऐप के यूपीआई ऑपरेशन रहेंगे जारी। आरबीआई ने एनपीसीआई को पेटीएम के थर्ड पार्टी टीपीएपी आवेदन की जांच करने को कहा। गूगल ने जीमेल बंद होने के दावों से इंकार किया। जीमेल के बंद होने की फर्जी खबर पर गूगल ने अपनी सफाई दी है। बायजूस के इन्वेस्टर्स ने फाउंडर सीईओ रविंद्रन को बोर्ड से किया बाहर। पत्नी और भाई को भी निकाला। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से फैसला। भारत इंग्लैंड के बीच 4वें टेस्ट मैच का 2वां दिन आज। रॉबिन्सन और जो रूट करेंगे पारी की शुरुआत। वुमेन्स प्रीमियर लीग के पहले मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से हराया। संजीवन संजना ने लगाया मैच विनिंग 6। आलिया भट्ट पूरी की फिल्म जिगरा की शूटिंग। आलिया भट्ट अपनी कोस्टार वेदांग रैना के साथ तस्वीर शेयर करती नजर आई। एक्टर आयुष शर्मा की अपकमिंग फिल्म रुस्लान का प्री टीजर आउट। एक बार फिर एक्शन करते देखेंगे आयुष। फिल्म 26 अप्रैल को रिलीज होगी।
जी न्यूज़।